أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم Class 10th کا lecture number 56 ہے اس lecture کے اندر ہم نے exercise 5.5 کے remaining questions کو discuss کرنا ہے Question number 5 ہے ہمارے پاس If L is equal to X such that X belongs to N and X is less than equal to 5 वो कहता है कि जो L है वो एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर होंगे और वो नेचुरल नंबर 5 के इक्वल और 5 से लेस हैं। M is equal to Y such that Y belong to P. इट्स मीन के सेट Y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर से बिलोंग करते हैं एंड Y is less than 10 और जो प्राइम नंबर हैं वो 10 से लेस हैं। देन मेक बाइनरी रिलेशन L टू M. तो वो कहता है L टू M आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं और जो बाइनरी रिलेशन बनाने उसने कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट जो रिलेशन है आर वन वो आपने ऐसा रिलेशन बनाना है एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन एक्स कि उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिसमें वाई कोऑर्डिनेट लेस हो किससे एक्स कोऑर्डिनेट से हम सेट एल लिखते हैं एल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एम लिखते हैं 2 3 5 7 हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं L टू M सेट L लिखा फिर सेट M लिखा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए इस वन को इस सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है वन को टू के साथ फिर वन का ऑर्डर पेयर थ्री के साथ वन का फाइव के साथ वन का सेवन के साथ इसी तरीके से टू का भी इन तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे 2 व 2, 2 व 3, 2 व 5, 2 व 7 उसके बाद हम एलिमेंट 3 का भी तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे 3 व 2, 3 व 3, 3 व 5, 3 व 7 उसके बाद 4 का लिखेंगे 4 व 2, 4 व 3, 4 व 5, 4 व 7 फिर 5 का लिखेंगे 5 व 2, 5 व 3, 5 व 5, 5 व 7 तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया हमने ऐसा रिलेशन बनाना है सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट अब जो रिलेशन बनाना है वो ऐसा रिलेशन बनाना है उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आने चाहिए जिसमें वाई जो है वो लेस देन एक्स हो एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर हो वाई कोऑर्डिनेट लेस हो तो देखें आप इसके अंदर कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर है और वाई कोऑर्डिनेट लेस है वो एक ऑर्डर पेयर ये है जिसको मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ 3 व 2 दूसरा है 4 व 2, 4 व 3, 5 व 2 और 5 व 3 तो ये 5 ऑर्डर पेयर ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर है और वाई कोऑर्डिनेट लेस है तो आर वन में मैं लिखा 3 व 2, 4 व 2, 5 व 2, 4 व 3, 5 व 3 अब इन ऑर्डर पेयर की हमने डोमेन और रेंज भी लिखनी है इस रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है तो जो डोमेन होती है वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो रेंज होती है वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है तो डोमेन ऑफ आर वन इज इक्वल टू जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इन तमाम ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 3 4 5 फिर 4 5 दोबारा रिपीट हो रहा है तो सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती तो हम सिर्फ इसको 3 4 5 लिखेंगे इसी तरीके से अब हम रेंज फाइंड करते हैं रेंज क्या होती है किसी भी रिलेशन की रेंज का मतलब ये है के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट तो ऑर्डर पेयर जितने भी हैं तमाम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट लिखे हैं वो क्या है 2 और 3 तो ये इसकी रेंज हो जाएगी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का एक थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में उसने रिलेशन दिया हुआ R3 और वो कहता है कि R3 जो रिलेशन है उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए 6 के इक्वल आना चाहिए ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट अब इसमें से जो रिलेशन बनाना है वो ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो सम है वो 6 के इक्वल आए तो बेटा वो कौन से ऑर्डर पेयर है एक तो ये ऑर्डर पेयर है 1 व 5 दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है 3 व 3 3 व 3 और तीसरा ऑर्डर पेयर ये 4 व 2 वाला ऑर्डर पेयर तो इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में ऐड करने से आंसर 6 आता है तो R3 जो रिलेशन बना वो क्या बना 1 व 5, 3 व 3, 4 व 2 तो इस रिलेशन की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है
रिलेशन के अंदर जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1, 3, 4। और जो रेंज होती है ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट क्या है, 5, 3, 2। तो डोमेन ऑफ R3 क्या है, 1, 3, 4, और रेंज ऑफ R3 क्या है, 5, 3, 2। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शन रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आपने जितनी डेफिनेशन पढ़ी है तमाम डेफिनेशन को यहां पर हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। वो कहता है इंडिकेट रिलेशन इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। आपने ये इंडिकेट करना है कि ये कौन सी, मतलब जो भी उसने रिलेशन दिया हुआ है बताना है वो फंक्शन है, ये सिर्फ रिलेशन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, वन बाइजेक्टिव फंक्शन है या वन वन फंक्शन है। आल्सो फाइंड द डोमेन रेंज, और उनकी डोमेन और रेंज को भी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो कहता है R1 इज इक्वल टू 1 व 1, 2 व 2, 3 व 3, 4 व 4। और दूसरी बात बेटा यहां पर उसने ये बात की है कि इनके अंदर जो को डोमेन होगी उसको हम रेंज का सेट कंसीडर करेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, रेंज है, और वो सेट B के इक्वल होंगे। R1 इज इक्वल टू 1 व 1, 2 व 2, 3 व 3, 4 व 4, ये उसने एक रिलेशन दिया है। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी फंक्शन की कौन सी टाइप है, या फंक्शन है या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात आप देखें, अगर हम इसमें जो को डोमेन है उसको रेंज का सेट कंसीडर करें तो वो क्या बनता है, 1, 2, 3, 4। अब सबसे पहली बात देखें, इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है, क्या वो सेट बी के इक्वल आ रही है। रेंज क्या है, 1, 2, 3, 4। देखिए रेंज सेट बी के इक्वल आ रही है, अगर रेंज सेट बी के इक्वल हो तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, ऑन टू फंक्शन। दूसरी बात अगर आप यहां पर देखें तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी वन वन फंक्शन की, और वन वन फंक्शन क्या थी कि अगर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के दरमियान में वन क्रॉसपोंडिंग मैपिंग हो रही हो, कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के क्रॉसपोंडिंग एक एलिमेंट से मैप हो रहा हो, तो वो वन वन फंक्शन होता है। तो देखें 1 व 1, 2 व 2, 3 व 3, 4 व 4, क्रॉसपोंडिंग मैपिंग हो रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू होने के साथ साथ 1 1 भी है। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू होने के साथ 1 1 फंक्शन हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करें, डोमेन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4। रेंज फाइंड करें, रेंज क्या था ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट, वो भी क्या है, 1, 2, 3, 4। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास एक रिलेशन R3 उसने दिया है, उसमें ऑर्डर पेयर है BYA, CYA, DYA। तो सबसे पहली बात ये देखें आप, क्या हमारे पास डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है। इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ए बी सी डी है, और जो रेंज है वो सिर्फ क्या है, ए है। तो सबसे पहली बात कि डोमेन रिपीट नहीं हो रही, तो इट्स मीन ये फंक्शन हो गया। अब अगली बात अगर आप देखें तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एक सिंगल एलिमेंट से मैप हो रहे हैं। तो यहां पर आप नहीं कह सकते कि इसकी डोमेन सेट बी के इक्वल है या सेट बी के इक्वल नहीं है, तो सिंपल ये एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास R6 है, एक रिलेशन 1, 2, 2 व 3, 1 व 3, 3 व 4। अब इसकी डोमेन अगर आप देखें तो डोमेन के अंदर 1, 2, 1, 3, अब यहां पर जो डोमेन है वो दोबारा रिपीट हो गई है। और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि किसी भी फंक्शन उस वक्त होता है जब उसकी डोमेन रिपीट ना हो रही हो। यहां पर डोमेन रिपीट हो रही है तो इट्स मीन ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो ये फंक्शन की कोई टाइप भी नहीं होगी, सो ये सिंपली एक रिलेशन होगा। तो इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, 1, 2, 3, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट है, उसमें उसने मैपिंग के थ्रू एक रिलेशन बताया हुआ है। देखिएगा वो रिलेशन उसने इस तरीके से बताया कि एक सेट ये ए है, ये दूसरा सेट फॉर एग्जांपल बी है।
तो आप अगर देखें तो जो सेट ए होता है वो डोमेन होता है, तो डोमेन के अंदर एक एलिमेंट फाइव ऐसा है जिसकी मैपिंग नहीं हो रही, ये फाइव एलिमेंट जो है वो विद आउट मैपिंग है, तो इट्स मीन ये फंक्शन नहीं होगा बल्कि सिंपल एक रिलेशन होगा, और इसकी जो डोमेन है वो क्या है 137 और जो रेंज है वो क्या है ए बी सी। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के जो रिमेनिंग पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज में उसने बेसिक सी बातें पूछी हैं जो कि हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं जो हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं किए। उसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसने डेफिनेशंस पूछी हुई हैं और वो हम इस चैप्टर में क्लियरली जो है वो बार बार उन डेफिनेशन को डिस्कस भी कर चुके हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली खुद कर सकते हैं। जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफाइन सबसेट एंड गिव वन एग्जाम्पल, बेटा ये सबसेट की डेफिनेशन जो है वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। बेटा अगर कोई भी दो सेट हो, एक सेट ए हो दूसरा सेट बी हो, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो हम कहते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं अगर सेट बी सेट ए को अपने अंदर कंटेन करता हो तो फिर भी ए सबसेट होता है किसका, बी का। डेफिनेशन देखिएगा, ए एंड बी आर टू सेट इफ बी कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए, अगर सेट बी के अंदर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, और ये बात याद रखनी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए मैंने लिखा 1 2 3, दूसरा सेट बी लिखा 1 2 3, तो देखें जो सेट बी है वो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है बी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल सबसेट ऑफ, ये एक सेट उसने दिया है, इस सेट के तमाम सबसेट लिखें, तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद हम सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सिंगलटन सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो सिर्फ पहले ए लिखूं और फिर बी लिखूं, एलिमेंट्स खत्म हो गया, पेयर बनाना शुरू कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए व बी। तो इसके जो सबसेट हैं वो ये बनते हैं एम्प्टी सेट ए बी ए व बी। अब आपने ये याद रखना है, पहली बात तो मैंने बता दी है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दूसरी बात कोई भी सेट हो वो अपने आप का भी सबसेट होता है। देखिये इन सबसेट्स के अंदर ये जो सेट है ये खुद भी सबसेट में कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। बेटा ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, आपने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी कब, जब ए सबसेट हो बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो इट्स मीन जो ए है वो बी के अंदर कंटेन कर रहा है। बेटा वेन डायग्राम के अंदर ये एक रेक्टेंगल होती है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब ए सबसेट है बी का, इट्स मीन जो सेट ए है वो सेट बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो मैंने अंदर सेट ए लिखा बाहर सेट बी लिखा। अब दूसरी बात उसने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट ए और सेट बी का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो यही आएगा सेट ए, जो कि मैंने शेड किया हुआ है क्योंकि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सेट ए आएगा। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, हम यहां पर उसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है सी का, उसने सिर्फ ये कहा कि आपने शो करना है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। बेटा हमने तीन सेट ओवरलैपिंग सेट लिखे ए बी और सी, अब देखें बी यूनियन सी की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर बी भी कंप्लीट आ जाएगा और सी भी कंप्लीट आ जाएगा, लेकिन जब हम बी यूनियन सी लेने के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें बी और सी का सिर्फ वो रीजन आएगा जो ए के अंदर इंक्लूड हो रहा है, और वो कौन सा है जो मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ है, तो ये बेटा इसका क्या होगा, हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू इसका आंसर होगा। ये मैंने आपको बी यूनियन सी समझाने के लिए बताया था, इसका जो आंसर है वो यही है जो मैंने इसको रेड कलर से शेड किया हुआ है।
तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।